यह वीडियो भी काल्पनिक है, पिछले वाले की तरह यह भी इमेजिनेशन में देखिए। इसे कृपया करके दिल पे ना लीजिए, कहीं और लीजिए, और फिर भी ऑफेंड हो गए तो स्टार्ट से डिस्क्लेमर वापस देखिए। थैंक यू। हाँ जानलो, क्या हाल है? ठीक हो यार? सीन ये है कि घर बैठे बैठे बहुत ज़्यादा बोर हो रहे थे, करने को भी कुछ नहीं है। आज वैसे भी छुट्टी मारी हुई थी तो हमारे घर के पास ना यहाँ पे लगा हुआ है मेला, यहाँ लगता है पीछे खंजरवाल मेला। तो मैंने दोस्त को फ़ोन किया, मैं कहा चलो आओ फिर मेला देखने चलते हैं, और करने को तो कुछ है नहीं, तो सोचा मेला खुद भी देखते हैं, मेला आपको दिखाते हैं। इससे पहले मैं कभी मेले पे नहीं गया, मेरा फर्स्ट टाइम है, तो खुद भी देखते हैं आपको भी दिखाते हैं। पहले ज़रा तैयार हो लें, होलिया का बेड़ा गर्क हुआ है, इसको ज़रा दुरुस्त करते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओ यार, तैयारी हमने पकड़ ली है, कपड़े शपड़े हमने बदल लिए हैं, अब अफान का इंतज़ार करते हैं बस, और दिन में कुछ खा लेते हैं, तो वो आता है तो फिर निकलते हैं, फिर आपको भी दिखाते हैं मेला। जी जिसने नहीं देखा हुआ देख लो आज। यार मैं तो खान का इंतज़ार कर करके थक गया हूँ, मैं वेला बैठा हुआ था, मुझे मामा ने उस दिन में कहा है, कहती जाकर रोटियाँ ले आओ। मैं चलो बाहर ही हो सकता है कोई लांती मिल जाए, तो जा रहे हैं जी पैदल ही, जाके लेके आते हैं रोटियाँ, फिर देखते हैं। लो यार रोटियाँ भी मैंने ले ली हैं, रोटियाँ ले कर मैं घर की तरफ को भी जा रहा हूँ, पर भाई हमारा अभी तक नहीं आया, उसी के इंतज़ार में है, देखो कब तक आता है। उम्मीद है आप पैदल हूँ घर जाते जाते तो आ तो जाएगा, देखो क्या बनता है आगे। लो जी मेरा प्यारा भाई ऐसा को माधरचोद आदमी है ना, कसम से माधरचोद ऐसा आदमी है ना, अभी तक नहीं पहुँचा, मैं घर भी पहुँच गया वापस। अब घर जाके फिर जाके बैठते हैं ऊपर, जाके देखते हैं कब तक आता है, इंतज़ार ही कर सकते हैं और हम करके सकते हैं। चलो एहो जे बंदे जीओ ते आके कहते थे जब मेरी दोनों बैले उठाएगी मैं पास ही खड़ा हुआ था। आ गए हो बड़े बहन चो, तो बड़ी जल्दी आए हो बहुत ठीक है। थैंक यू सो मच। चलें रास्ते में अपने खाते वाले भाई के पास आए हैं, कश्मीरी डॉन। कश्मीरी कैसा है? बड़े काम शुरू की से क्या लग रहा है? बता ऊपर तो यार प्लान थोड़ा सा इस तरह चेंज हुआ है कि हम अच्छे खासे मेला देखने जा रहे थे, पर भाई को स्पेशली भाई को मेरे भाई को मेरे इसके भी भाई को एक्सबॉक्स डिमांड कर रहा है भाई कि मेरे लिए एक्सबॉक्स। वो छोटा सा बच्चा है यू नो, 10 से 12 साल का, तो जिद पकड़ ली उसने कि मैंने अपना मेला कल पे पोस्टपोन करके अभी हम हाल रोड जाएंगे, हाल रोड जाके इसके उस प्यारे भाई का एक्सबॉक्स खरीदेंगे जिसने हमारा मेले का दिन बर्बाद किया है। चलो देखते हैं, अगर टाइम बचा तो मेले पे भी जाएंगे, हाल लोड ही चलते हैं फिर। अब ए कश्मीरी अदर वे होए की बहा रहे हैं वे, मेरी अपना सफर तय करके हम हालोड तक पहुंच गए हैं, सामने पैनोरामा के सामने हमने बाइक लगा दी। क्या कर रहे हो भोदड़ी के? पेट्रोल निकाल रहा हूं भाई। अरे पेट्रोल निकाले ऐसे लोग होते हैं चौक में चोर चाबी के है। चाबी है भाई ले लो अंदर। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। थैंक यू सो मच। अब हम यहाँ से रोड क्रॉस करेंगे सामने हाल रोड। चूतिया देखना डायरेक्ट इंडिया को जाता है, ये रास्ता डायरेक्ट जा रहा है इंडिया को। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? चलो भैया वो रहा इंडिया। तो जी यहाँ पे नशे लोग रात को पार्टी करते हैं, उनके पार्टी का सामान पड़ा हुआ है, टिकट उके यहीं पे बैठ के वो लगाते हैं। ये हालो डोला ब्रिज है, शर्म नहीं आती, सिगरेट पीते हैं बेगैर।
काफी देर यहाँ हालोड पे फिरने के बाद भाई को एक दुकान पे वो पसंद आया एक्सबॉक्स, देखते हैं अब चल के देखते हैं जी डील बनती है भाई के साथ कि नहीं। मेरी फाइनली घूम घूम के फिर भाई की डील एंड हो ही गई है, ये ले लिया एक्सबॉक्स वन एस, ये भाई की डील चल रही है, ये डील लेके यहाँ से अब ये भाई चेक करवाएंगे, चेक करवाते हैं तो फिर आपको बाकी का भी दिखाते हैं। तो हम लोगों ने शदीद किस्म का लूट लिया है भाई, एक कंट्रोलर के साथ दो कंट्रोलों के साथ सेम रेट में डील मार ली है ये आदमी, तल्ला में तमार मार के ऐसे चूतिया वाली चक्कर में जाते हैं, पसीना आ गया भैन जरूर तल्ला में तमार मार के। बड़ा बोलना क्या कह रहे हो सड़ी के बोल रहे वो देख क्या देखो बिजली दे गेमां खेडी जानियां नी हैं, छड़ दे गुस्सा जान दे बिजली दी गेमां खेडी जानियां जी रात ही, चलो सही है चलाओ चले आप। उसने कसम खा ली है जी कि बिजली दी सारी गेमें खेल के जाएगा, भोसड़ी का भी खेला छड़ दे जी, एक्सबॉक्स लेके हम निकल गए क्या खिला रहे हो चिप्स सड़ी के खिलाओ कुछ, चलो भाई चल के कुछ खाते हैं अब यहाँ से निकलते हैं, यहाँ वैसे शोर बहुत ज्यादा है बात की समय नहीं लगेगी। तो यार हाल रोड से तो वापस आ गए हैं, तो अब सेल लेने के लिए घूम रहे हैं, चार्जिंग वाले सेल चाहिए हमें भैंड चोद, सेल नहीं मिल रहे साला, सेल मिल जाते चार्जर नहीं मिलते, चार्जर जिसके पास होते हैं माथे चोट के पास सेल नहीं होते। अब जा रहे हैं देख रहे हैं दुकानों से घूम घूम के मेट्रो चलते हैं, मेट्रो जाके देखते हैं हम कहीं और ढूंढते हैं। चलते चलते रास्ते में एक चूतिया मिला, जहाज चूतिया बड़ी गल है 33-10 की बैटरी होती है, मेट्रो आ गई, मेट्रो एंटर हो गए भाई, उमरा याद आ गया मैंने उमरे पे जाना भाई, बैग खरीदने हैं सारे के सारे औकात से बाहर, सारे के सारे औकात से बाहर, फट के हाथ में आ गई, छोटे देख लिया छोटे छोटे भी सारे देख के तुम्हारी फट के हाथ में आ गई। हेलो आगे जहाँ तक जहाँ ये देखो इतने पैसे ऐसी शक्ल हो जाती है फटने के बाद, तो ना भाव आगे चलते हैं देखते हैं अपनी औकात वाली लाइन में चलते हैं। ये अपनी औकात ये भी नहीं बेटे, ये भी तुम्हारी औकात से बाहर, 2000 रुपए की शक्ल है तुम्हारी खांडू, आप किधर गायब हो गए थे अभी यार, कोई यार करने वाली बात कर, कोई बातों में ब्लॉग बना रहा है जो दीजिए बैतुल खला, बैतुल खला में बना ले, बातों में ब्लॉग बना रहे आगे वो करते गेटिंग टायर्ड फ्रेश होने के ओके सेल और चार्जर लेने पहुंचे, सेल तो इधर भी नजर आ रहे, चार्जर कहीं भी नहीं नजर आ रहा, फिर फट के चार हो गई हम सेल भी नहीं ले सकते, हम सेल भी नहीं ले सकते अपनी औकात से, तो बोल भाई यार हम साइड पे बैठे हैं भाई जो खरीदने हैं उसको खरीद लेते, क्या कहते हैं हम एक डनी लोकल पी सकते हैं। चार्जर तो मिल गया पर चार्जर की कीमत क्या थी यार भाई, एक तो पहली बात तो मुझे चार वो चार्जिंग वाला चाहिए था चार्जर, तो दो वाला कितने का था, इतना महंगा इनसे 3860 3860 का फट के हाथ में आ गई भाई की सुन, किधर जा रहे हैं हम ठोकर पे अपनी जगह अपनी जगह, कुत्ते मोटरसाइकिल में सेंटर में बैठने पे लड़ रहे हैं, ये सेंटर में कौन बैठे तो ओ भाई पीछे, ओ मैं किधर बैठ के चलाऊंगा, पहले तो ये बता तो यहां से हो गया वापस उधर से लोग क्यों ना, ओ ये तुम्हारी तुम्हारी हरकतों में आया मैं चले वापस हैं यू फॉर गॉट बेटे जगह दे दो थोड़ी सी हमको भी, साला अपनी सीट बचा के बैठा हुआ सड़क पे बैठा है बेचारा, अगले पिछले 10 मिनट से बैठा हुआ अपनी सीट बचा, सीट बचा के बैठे हो क्या चीज, सीट बचा के बैठे हो सेंटर वाली, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है, बैठे रहो बराबर हो इधर ही हम तो अंदर चले, चलो यार हम तो जाके सेल ढूंढे, तो जी रात के 11 बज रहे हैं
अरे हम सेल ढूंढ रहे हैं खबर उन्हें यूरो स्टोर जो सेल का चार्जर ढूंढ सेल का चार्जर ढूंढ जो कि हमें कहीं से नहीं मिल रहा अभी खबारी काट काट के तब यूरो स्टोर देखो ये आते हैं हम दोनों वहीं हैं साथ आई मुफ्त के खबर हो रहे हैं साथ देखो भी यहां से पकड़ ये क्या जवाब देते हैं जनाब شدید قسم کی خواری کاٹنے کے بعد سیل تو مل گئے ہیں وہ لے کے آ رہا ہے بھائی کیسا محسوس کر رہے ہو اتنی خواری کاٹنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہے وہ خان کچھ کھلائے گا تو میں خوش ہوں یار وہی نا بھائی بھائی ہیلو اب کچھ کھلا دو अब कुछ खिला दो मिल वो तो मिल गया पर अब कुछ खिला भी दो ना जितना तुमने खुआर कराया हम मेले पे जाने के लिए निकले थे आप ही देखे सेल अंदर से यार सेल तो मिल जाएंगे कुछ खिला दो वो सेल के बैठे चार सेल लेते हैं अभी हजार रुपए बच गया जो 950 रुपए के सेल ले रहे थे तुम दो तुम्हारे 750 रुपए के हम सोचने लगे क्या पैसा बच रहा है भाई 3000 का था 1650 का या कितने बच गए बाकी तुम्हारे पास 3000 था ना हाँ। बाकी तुम्हारे पास 13.5 तो पैसा स्टार्ट हो गया 13.5 750 का सेल है ना 1500 के सेल हो गए मेरे को कुछ खाने का है बस मेरे को भाई मेरे को भी कुछ खाने का है मेरे को भी कुछ यार सेल तो पता चलो सेल पता कर लो यार फिर अब कुछ खिला दो चार्जर तो मिल गया बिल्कुल मिल गया पैसा देख के कैसे आराम को 3.5 उसके लोग चलो देख मेरे को लिए गए मेरे को लिए गए यार सारे टाइम की फरी काट के भाई कैसा लग रहा है आपको भाई बहुत मजा आ रहा है मुझे मिल गया सारा कुछ जी सब मिल गया क्या खिला रहे हो कुछ भी नहीं पैसा नहीं है होगा ना तुम्हारे पास गरीब आदमी वो देखो सेठ साहब खड़े हैं सेठ साहब पैसा है ना आपके पास सेठ साहब कैसा महसूस हो रहा है पैसा निकालते हुए बड़ा दुख हो रहा है बड़ा दुख हो रहा है अब तो गरीबों को खाना खिलाएंगे कश्मीरी आसफ दिखाओ ना ये देखो ना हेलो ओ कश्मीरी कैसा कश्मीरी यार दो होश नहीं फाइनली खुआरी के बाद खाना खाते हुए अभी हमारे प्यारे भाई वो खाएंगे पेट पूजा करेंगे भाई सिगरेट पीते हो आप क्यों मैं कुछ शेड़ा मारती गलत हो ना तू ये खाते हैं उसके बाद निकलते हैं बिल्कुल ठीक है वो भी तुमने खिला दी है तो गरीब आदमी साला मैं क्या करूं फिर जॉब छोड़ दूं फिर बात नहीं है क्या तुमने एक आदमी है तुमने हमको खाना खिलाया ये देखो ना हम कदर करते हैं तुम्हारे खाने फाइनली जी इतनी ढेर सारी खुआरी के बाद हालत काटने के बाद जहाँ से गए थे वहीं वापस आ गए आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं बताना ज़रूर कैसा लगा आपको नेक्स्ट व्लॉग भी जल्दी लेके आएंगे मेले वाला जल्दी लेके आएंगे मेले वाला कल या परसों ज़रूर लेके आएंगे तब अपना ख्याल रखें वीडियो में लाइक करें कमेंट करें हो सके तो इसको शेयर भी करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डिस्क्रिप्शन में मैं अपने इंस्टा का लिंक दे रहा हूँ इंस्टा पर भी भाई को फॉलो कर लें बहुत सारा ख्याल रखें जी बाय बाय मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में I'm not afraid to die.